मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा सेकंड को इंग्लिश में आज हम फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम के बारे में बताएंगे। फलों के नाम, सबसे पहले MANGO मैंगो, मैंगो यानी आम, MANGO मैंगो, मैंगो यानी आम, MANGO मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है आम, MANGO मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है आम, MANGO मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है आम, MANGO मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है आम, MANGO मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है आम। उसके बाद बनाना, BANANA बनाना, बनाना, बनाना का मतलब क्या होता है केला, BANANA बनाना, बनाना का मतलब क्या होता है केला, BANANA बनाना, बनाना यानी केला, BANANA बनाना, बनाना यानी केला। नंबर 3 ORANGE, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा, ऑरेंज यानी संतरा, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है संतरा, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है संतरा, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या होता है संतरा। नंबर 4 क्रैप, जी। नंबर 3 कर लिए, अब नंबर 4 पे लिखते हैं। नंबर 3 पे है, पहले है मैंगो, MANGO मैंगो, मैंगो यानी आम। उसके बाद है बनाना, BANANA बनाना, बनाना यानी केला। उसके बाद है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। GREPE ग्रेप, ग्रेप्स यानी अंगूर, GREPES ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर। अब उसके बाद में हम करते हैं सवाल, गणित में चलते हैं, गणित में देखें हल करते हैं सवाल। हमें दिया हुआ है 15 पेनों का मूल्य 60 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करो। लेने में ज़्यादा वस्तु पेन का दे रखा है और एक का पूछ रहा है, तो ज़्यादा का दे करके एक का पूछे तो हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है, क्या करना होता है भाग करना होता है। तो लिखेंगे 15 पेनों का मूल्य बराबर, कितना दिया हुआ है 60 रुपया,
कितना दिया हुआ है? 60 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है? एक पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य बराबर, एक पेन का मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे? 60 में 15 का भाग लगा देंगे, तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा। तो भाग लगाते हैं 60 में 15, 15 का पाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 60 आता है। घटा देते हैं 0, 6 में 6 गया 0, यानी 4। तो एक पेन का कितना रुपया हो गया? 4 रुपया मूल्य आ रहा है। भाग लगाने पर भागफल कितना आ रहा है? 4, यानी एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया। जब हमें ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो और एक वस्तु के बारे में पूछ ले तो हमें क्या करना होता है? भाग करना होता है। यहाँ पे ज़्यादा वस्तुओं का दे रखा था, यानी 15 पेनों का मूल्य दे रखा था और हमसे एक पेन का मूल्य पूछ लिया, तो इसलिए हमने क्या किया? भाग लगा दिया और हमारे पास एक पेन का मूल्य आ गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।